आज के दिन सन 1791 में फ्रांस के राजा लुई 14वें ने नया संविधान अंगीकार किया था। 1882 में एंग्लो मिस्र युद्ध तेल अल कबीर की लड़ाई लड़ी गई थी। 1922 में पोलैंड की संसद में डिजाइनिया बंदरगाह निर्माण अधिनियम पारित कर दिया गया था। 1923 में स्पेन में सैन्य तख्ता पलट, मिगेल डे प्रिमो रिवेरा ने सत्ता संभाली और तानाशाह सरकार की स्थापना की थी। ट्रेड यूनियनों को 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1929 में लाहौर जेल में भूख हड़ताल के 63 दिनों के बाद जतिन दास की मौत हो गई थी। 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 40 लाख हिंदुओं और मुसलमानों के पारस्परिक स्थानांतरण का सुझाव दिया था। 1948 में उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने सेना को हैदराबाद में घुसकर कार्रवाई करने और उसे भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने का आदेश दिया था। 1973 में भारतीय अभिनेत्री महिमा चौधरी का जन्म हुआ था। 2000 में भारत के विश्वनायन आनंद ने शेनयान में पहला फीडे शतरंज विश्व कप जीता था। 2001 में ओसामा बिन लादेन को पकड़ने हेतु अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर दबाव डाला गया था। 2002 में इजराइल ने फिलिस्तीन अधिकृत गाजा पट्टी पर हमला किया था। 2005 में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु समर्थन देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानकों की घोषणा की थी। 2006 में इप्सा भारत ब्राजील साउथ अफ्रीका त्रिगुटीय संगठन का पहला शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में शुरू की गई थी। 2007 में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से 3 गुना बड़े ग्रह का पता लगाया था। 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मिखाइल फेदकोव के आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्रीय कैबिनेट को भंग किया था। 2008 में दिल्ली में 3 स्थानों पर 30 मिनट के अंतराल पर एक के बाद एक 4 बम विस्फोट हुए थे। इनमें 19 लोगों की मृत्यु और 90 से अधिक लोग घायल हुए थे। 2009 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में कोच्चि के चार्ल्स जायस को मनोनीत किया गया था। 2009 में चंद्रमा पर बर्फ खोजने का इसरो नासा का अभियान असफल हुआ था। और आज ही के दिन सन 2013 में तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के हेरात शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, जिसमें अफगान नेशनल पुलिस के 2 जवानों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए थे।